इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। फर्ज करें आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हम 1 मीटर पर इसका पोटेंशियल लिखते हैं, क्या लिखेंगे, के क्यू ओवर 1। 2 मीटर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर 2। 3 मीटर पे डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर 3। तो आप देखें जैसे जैसे आप इस चार्ज से अवे जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये जो आपको डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप देखें कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं, आप इधर को जा रहे हैं ना, आप पहले इधर खड़े थे चार्ज लेके, ठीक है, यहाँ पे खड़े थे आप, पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने चार्ज जाके मेजर किया, फिर यहाँ जाके किया, फिर यहाँ जाके किया, तो आपने फील किया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जब फॉलो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और आपके पास टेस्ट चार्ज होगा जिससे आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डायरेक्शन ये थी इधर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरो से हम दिखा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरो से हमने दिखाई थी। चलें इसको फॉलो करना है, आप इसको फॉलो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना है। सो इस पॉइंट पर आपके पास क्या पोटेंशियल आएगा, माइनस के क्यू ओवर 3, माइनस के क्यू ओवर 2, माइनस के क्यू ओवर 1। तो पॉजिटिव में ये वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, नेगेटिव में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो देखें जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, चाहे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करें, चाहे नेगेटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करें, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेंगे तो पोटेंशियल जो है डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मैंने हिंट आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, वैसे जब मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा था जी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 5i हैट प्लस 75j हैट यूनिट एनर्जी न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस प्रिज्यूमिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। फर्ज करें कि ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या है जी, जीरो है। द पोटेंशियल एट पॉइंट 1 मीटर 2 मीटर विल बी, इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल बताना है जी बेटा। आप फर्ज करें कि आपके पास एक्स वाई प्लेन, ये इसका ओरिजिन है, ये आप 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इधर ले लें, इधर भी ले लें 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ये वाई ले लें। तो आपने कोऑर्डिनेट्स कौन से चूज करने हैं, एक्स 1 मीटर और वाई 2 मीटर, एक्स वाई एक्स 1 मीटर और वाई 2 मीटर। तो ये आपने एक पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 मीटर 2 मीटर, इसका जो पोजीशन वेक्टर आप ड्रा करेंगे वो ये आएगा आपके पास। पोजीशन वेक्टर हमेशा आपको पता है कि ये आर आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर। इसको आप कैसे लिखते हैं जी, इसके लिए लिखें 1i, इसको मैं i ही लिख देता हूँ, i हैट प्लस 2j हैट आपके पास आ गया आर जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, क्या पढ़ा हुआ आपने पढ़ा हुआ है कि बराबर होती है
नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, फिर आपने इसको इस फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है, ये आंसर है, ये हमने वेरीफाई करना है जी। फिर आपने इसको इस फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी ओवर आर। तो अगर मैं V को फाइंड करूं, अलग करूं, तो V क्या आ जाएगा मेरे पास, V आ जाएगा माइनस E, ये भी आपके पास वेक्टर होता है, आपको पता है, सॉरी पीछे चलेंगे जी, वेट कीजिएगा, ये कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, काट लेंगे जी यहाँ पे। जी यहीं से स्टार्ट करेंगे, 30 सेकंड की ब्रेक से। जी तो आप जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है ये भी एक वेक्टर ही है ना, तो आप अगर इसके ऊपर भी वेक्टर का निशान दे दें तो आसानी हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा E इंटू आर। अब देखिए पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर है, R भी वेक्टर है, तो इनका कौन सा प्रोडक्ट लें, वेक्टर्स का कौन सा प्रोडक्ट लें कि रिजल्ट जो है वो स्केलर आ जाए? स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ बेसिकली डॉट लगता है। तो अब आप कैलकुलेट कर लें, V इक्वल टू माइनस, बाहर ही रहने दीजिए, वैल्यूज लिखें इनकी, 50 आई प्लस 75 जे, और इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, 1i + 2j के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा V इक्वल टू नेगेटिव, जी i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 50 को 1 से किया तो क्या आ गया, 50 i डॉट i क्या हो गया, 1, 75 को 2 से किया तो क्या आ गया, 150। दोनों को ऐड कर लें, आपके पास -200 वोल्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे जी, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है, इज मैक्सिमम एट ए, मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट सी, सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से किस तरफ चलती है, नेगेटिव की तरफ, यानी इस तरफ लो पोटेंशियल हम कहेंगे, इस तरफ हम हाई पोटेंशियल कहेंगे। सो बी पे पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बी पे है, उससे कम सी पे है, उससे कम ए पे है। तो हमें सिर्फ ये ऑप्शन चूज करनी है इस वक्त, क्योंकि इस फॉर्म में तो पूछा नहीं हुआ। देखिए हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं सिर्फ।